हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बरसाने में रहते हैं और आज राधाष्टमी है और हम ना भंडारा कर रहे हैं। तो ये हमारा मतलब हम ना भोजन वितरित कर रहे हैं जिसमें हम भोजन बनवा रहे हैं और हम बरसाने के ही हैं। और ये हमने म्यूज़िक सिस्टम लगवा रखा है यहाँ पे, ये भाई ऑपरेटर हैं और अंदर ना भोजन बन रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये ना एक नया बिल्डिंग है, हम बनवा रहे हैं और अंदर भोजन बन रहा है। वीडियो कॉल पे हुई। ये प्रधान जी हैं संकेत के, ये चेयरमैन साहब बरसाने के, और ये बन रहा है भोजन। आप देख सकते हो, अभी इसके बाद ना अभी हम कढ़ी चावल बांट रहे हैं, फिर हमारे छोले चावल चलेंगे और उसके बाद शाम को ना पूरी सब्जी बनेगी। तो ये चल रहा है सब्जी का सिस्टम, ये है गीली सब्जी आलू की और यहाँ पे छोले चावल है। ये बाबा है हमारे जो कि भंडारा करवा रहे हैं और ये है हमारी सब्जी बन रही है। ये सब्जी बन रही है, चावल बन रहे हैं, ये चावल बन रहे हैं। अभी जब छोले चावल बटेंगे तो चावल ही बटेंगे। अभी हमारे कढ़ी चावल बट रहे थे तो थोड़ा सा चावल ना थोड़ी शॉर्टेज हो गई, तो इसलिए चावल दोबारा से बनवाए गए। तो आगे ना सारी सिस्टम बनाया जाएगा, आपको दिखाऊंगा वन बाई वन कि हम क्या क्या चीज़ बनवा रहे हैं इसमें। आप देख सकते हो यार, बहुत अच्छे से चल रहा है पूरा सिस्टम। और ये सारी ये सभी ना मतलब ये बनवाने वाले हैं, खुद बनाने वाले भी हैं, सबसे अच्छी बात। अभी पूरी सब्जी बनेंगी और अभी जैसा कि कढ़ी चावल की शॉर्टेज हो गई, थोड़ी चावल की शॉर्टेज होगी, कढ़ी की तो नहीं बेसिकली, और अभी चावल हो रहे हैं और फिर उसके बाद हमारे छोले चावल ही बनेंगे। और धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे पूरे दिन का शेड्यूल रहता है हमारा 24 आवर्स। गाइस, अपना चावल आ चुके हैं और अभी छोले भी आएंगे और कढ़ी के साथ चावल बांटे जा रहे हैं। अभी ये चावल बांट रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ये है कढ़ी बांट रहे हैं और फिर उसके बाद छोले वाली सेवा की जाएगी सबकी। छोले भी बांटे जाएंगे और शाम को पूरी सब्जी भी की जाएंगी। तो गाइज, अब स्टार्ट हो चुका है चावल और छोले, और चावल भी बहुत अच्छे वाले बनवाए हैं इस बारी। पहले थोड़े से डाउन थे लेकिन अब इस बारी अब चावल ना बहुत अच्छे बनवा दिए हैं। ये भैया हैं और ये हैं छोले, यहाँ पे छोले बांट रहे हैं। तो गाइज, अब ये छोले चावल हो चुके हैं और उसके बाद फिर होगी पूरी सब्जियाँ, अब देख सकते हो। और पूरी भीड़ हो रही है बरसाने में, देखो। सुबह भी कढ़ी बनी थी और फिर से कढ़ी बना दी है क्योंकि यार भंडारे को बांटना है और रुकना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। तो इस वजह से हम ना मतलब जो पूरी सब्जी है ना वो शाम को बटेगी और कढ़ी दोबारा से बना दी जाती है, भैया ही रहे। मेरे चावल के लिए चावल वहां पे बसाए जा रहे हैं। तो गाइस, अब फाइनली पूड़ी कचौड़ी बटने का टाइम हो गया, पूड़ी और सब्जी बट रही है। सुबह हमने चावल बांटे थे और कढ़ी चावल थे और छोले चावल थे, अब हम फाइनली पूड़ी बन रही है, अंदर पूड़ी और आ रही है और ये रही सब्जी। अभी हम पूड़ी सब्जी बांट रहे हैं बरसाने के लिए।
और गाइस ये ब्लॉग काफी बड़ा हो गया, इसलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा आगे की सारी चीजें। और आप देख सकते हो बरसाने में काफी भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि सुबह 4 बजे राधा रानी का जन्म होगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आगे की चीजें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।